रायबरेली के महाराजगंज तहसील में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विषयों में से एक है। समाधान दिवस पर आई हुई जन शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से मौके पर जाकर किया जाना अनिवार्य है। यदि शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का सही ढंग से मैरिट के आधार पर निस्तारण कर दिया जाए तो बार बार एक ही समस्या को लेकर लोग शिकायत करना बंद कर दे। जिलाधिकारी आज यहां महाराजगंज तहसील के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रही थी। इस मौके पर कुल 154 शिकायती पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें सर्वाधिक 93 मामले राजस्व से संबंधित रहे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित 23 तथा विकास विभाग से संबंधित 14 प्रार्थना पत्र आए। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित 24 मामले रहे। आज प्रस्तुत मामलों में महज 2 का ही निस्तारण किया जा सका। आपको बता दें कि रायबरेली जिलाधिकारी का पदभार संभालने के बाद पहली बार महाराजगंज तहसील में पहुंची जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 11 बजे से ही मामलों की सुनवाई शुरू कर दी और 2 बजे तक लगातार सुनवाई का सिलसिला जारी रहा। आज प्रस्तुत मामलों में महाराजगंज नगर के सभासदों फिरोज अहमद, अरविंद त्रिपाठी, अंकुर गुप्ता, नूर हसन आदि ने महाराजगंज नगर पंचायत से संबंधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला जिलाधिकारी को सौंपा। इसके अलावा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष रिंकू जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारी नेताओं ने भी नगर पंचायत से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी को दी। इस पर जिलाधिकारी ने लोगों को तलब कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस से संबंधित आए प्रार्थना पत्रों में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने महाराजगंज, बछरावा, शिवगढ़ के थानेदारों को तलब कर कड़ी फटकार लगाए और कहा कि थानों पर सही ढंग से मामलों का निस्तारण यदि किया जाए तो लोग संपूर्ण समाधान दिवस अथवा जिला मुख्यालय पर शिकायती पत्र लेकर ना जाएं। इसी प्रकार पूरे दिन राजस्व और विकास से जुड़े मामलों को लेकर आई तमाम शिकायतों पर जिलाधिकारी ने महाराजगंज राजस्व से जुड़े अधिकारियों और खंड विकास अधिकारी महाराजगंज को कई बार तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कई गंभीर शिकायतों की जांच वह स्वयं अपने स्तर से कराएंगे और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में महाराजगंज बार एसोसिएशन महाराजगंज के अध्यक्ष छोटेलाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, विद्यासागर अवस्थी, भूपेश मिश्रा, ज्योति प्रकाश अवस्थी आदि ने जिलाधिकारी से मिलकर महाराजगंज तहसील के चकबंदी कार्यालय के हरचंदपुर में होने के कारण वार्ड वादकारियों के सामने आ रही दिक्कतों का मामला उठाया तथा मांग की है कि महाराजगंज तहसील के चकबंदी के मामलों की सुनवाई के लिए कार्यालय को महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर ही कायम कराया जाए। जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि इस मामले में वह शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी। इस मौके पर CDO प्रभाष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह, SDM शालिग्राम वर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार पाठक, राजस्व निरीक्षक श्रीकांत पांड्या, SDO विद्युत आशीष श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महाराजगंज अनुराग शुक्ला, BDO महाराजगंज शकील अहमद, SSI संतोष कुमार यादव, CHC अधीक्षक डॉक्टर राधा कृष्णन, अंजनी कुमार बाजपाई रीडर, तहसीलदार बछरावा नगर पंचायत ईओ श्वेता सिंह, शिवगढ़ थाना अध्यक्ष बछरावा थाना अध्यक्ष सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। बेटा सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और किस संबंध में यहाँ DM के पास आई थी? मेरा नाम प्रिया है और ब्लैक के पर्पज से आए हैं क्योंकि हमें क्षेत्रीय लेखपाल और विपक्ष के लोग बहुत तारीफ करते हैं। क्षेत्रीय लेखपाल कौन है? हर्षवर्धन सिंह जी। क्या परेशान करते हैं और आपके साथ ये कौन है बुजुर्ग जो है? हम लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है करीब हो रहे 5-6 महीने जी। वो लोग फ्रॉड बता के हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं और थाने में जाके 420 का बता के पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवाते हैं जी। ये आपके साथ कौन है? पिताजी। पिताजी हैं। कितनी बार शिकायतें किया आपने? सर शिकायतें वो आते जाते थे और थाने से आते जाते थे, SO और भी जो भी है कांस्टेबल वो आते जाते थे। इसके पहले भी तहसीलदार को भी आप शिकायतें नहीं? नहीं सर नहीं आई। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं क्या मामला है और SDM को किस बात की? मैं मेरा नाम श्रीपद नारायण सिंह है और मैं
सिक्काखेड़ा का निवासी हूँ और कुंदन राष्ट्रीय राजमार्ग से इलाहाबाद लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग से हमारे गांव के लिए कभी भी पक्का मार्ग नहीं था, कीचड़ भरा वो रास्ता था। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षा सड़क योजना के तहत 1,79,796 रुपए की लागत से 3.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया, लेकिन विभाग की अनियमितताओं के कारण यानी मनमानी के चलते जो कुछ रहा हो, भूमाफियों के द्वारा ग्राम समाज की भूमि को कब्जा कर लिया गया था और 200 मीटर की पैमाइश मैंने 13 बार करवाई, लेकिन फिर भी जिनकी कापियां हमने आज डीएम साहब को दिया है, आज भी 200 मीटर पर पटरी की पे मिट्टी बनाई ही नहीं गई न डाली गई, जिससे वहां की सड़क समाप्त हो गई है। इससे ये साबित होता है कि विभाग पूरी तरह से सरकारी धन के दुरुपयोग पर आमादा है और जनसुविधाओं की उपेक्षा कर रहा है। अभी आप जिलाधिकारी के पास गए थे तो क्या जिलाधिकारी ने 2-3 लाइनें पत्र पर लिख करके विभाग को दिया, मैंने कहा कि ये पत्र पर आपकी ये कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास अभियंत्रण कहता है कि हम डीएम के अधीन नहीं होते हैं जी, और ना इस पर वो हमारे खिलाफ कोई सस्पेंशन की कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए इनका मनमाना रवैया ही 3 वर्ष से लंबित रखना पटरी का ये दर्शाता है कि ये सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। आप लोगों को जानना होगा कि हमें इसकी शिकायत या धन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कहां और किसके पास जाना है, ये सब ऊपर वाले के भरोसे है। टका सेर खाजा। थैंक यू। क्या नाम है सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। हमारा नाम मनोरमा देवी, गांव सैनपुर, पोस्ट 52 बुजुर्ग बल्ला। पति का नाम? पति का नाम स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह। क्या मामला है, किस लिए आई थी डीएम के पास? डीएम के पास आज हम इसलिए आए थे कि ये लोग न हमको घर में दिए न खेती में दिए। कौन नहीं दे रहा? देवर लोग नहीं दे रहे हैं, सास नहीं दे रही है, वो लोग सब एक में हैं, और हमको खेत में भी नहीं दिए, घर में भी नहीं दिए। 2 साल हो गए हमारे आदमी के एक्सपायर हुए, और 16 तारीख को हम हिस्सा मांगने गए थे, हमको देवर लोग 3-4 देवर और देवर के बच्चे जो है देवरानी को साथ लेके सब लोग हमको वही खड़ंजप मरवाए बीच गलियारा में हैं, और दरवाजे से मारते हुए खड़ंजप ले आए, और धूस चोट हमारे लगी, और यहाँ कह रहे हैं थाने में कि मतलब जो है जब खूना खच्चड़ हो जाएगा तभी पुलिस केस होगा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, और वो लोग मार के जो है यहाँ से बरी हो गए, वहाँ 4-4 एप्लीकेशन लगवाए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम तो पैसा दे आए, एक आध दिन ऐसे पैसा दे के फिर मार डालेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, 5,000 रुपया कह रहे हैं हम तो थाने में। अभी डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब कह रहे हैं कि खेती तो मिल जाएगी, जो है बंटवारा द्वारा मिलेगा खेती, नाम चढ़ गई है तो, और जो मार पीट रहे हैं देखो इसको हम कार्रवाई करवाते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दें और क्या मामला है, पूरी बात बताएं। मैं ग्राम प्रधान श्री प्रसाद यादव मास जी। क्या मामला है? मामला लेखपाल गंभीर सिंह के खिलाफ है, उन पर मैं आरोप लगा रहा हूँ जी। उन्होंने आज 4 वर्ष हो गए हैं, एक भी पर्सन प्रधान का कहे कोई भी मतलब नहीं रखा प्रधान, ना तो फोन से बातचीत करना ना कोई मतलब, अगर गांव जाते तो मुझे बुलाते भी नहीं है कि मैं क्या नापने आया हूँ क्या नापने नहीं आया हूँ। गरीब लोगों की अगर नापने जाते तो उनकी हदबरारी करवाते हैं, और बड़े लोगों की नापने जाते हैं तो उनकी कोई हदबरारी नहीं होती। क्या आरोप है आपका? हाँ, आरोप है बिंदु नंबर 1, दूसरी भूमि गाटा संख्या 265। इन्होंने बताया जब खाली करवाने गए तो इन्होंने बताया कि मैंने खाली करवा दिया, उस पर मुकदमा कर दिया। अब ये लेखपाल को पता है या अगले को पता है, लेकिन आज तक भूमि खाली नहीं हुई। गाटा संख्या 238 आज भी बंजर भूमि है, उस पर खेती की जा रही है। आबादी भूमि पर भवन निर्माण हो रहा है, जो कि पुरानी आबादी चकबंदी में छोड़ी गई थी लोगों को वितरण के लिए। एयरटेल टावर लगा है, लेखपाल नापने गए आबादी में टावर लगवा दिया, जिसकी भूमि थी वो भूमि अलग है, इनकी जांच करा दी। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया है, लेकिन उनके पास एक थे कानून गो ने मेरे सामने उनके कान में फूंका कि ये बता देना कि प्रधान बनवा रहे जी, ये उन्होंने कहा ऐसा, और मैंने सुना अपने कान से। पुराने